हाँ तो मेरे जिगर के चलो मैं हिमांशु आपका वेलकम करता हूँ हमारे छोटे यूट्यूब चैनल जिसे आप जल्दी से बड़ो के बड़ा तो बनना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस बंदे को पहली बार देख रहे हो, देखो मत यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो हाँ तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे हो जाओगे। तो ज़्यादा कुछ ना बताते हुए क्योंकि ये वीडियो मैं इंट्रो पहले ही डाल देता हूँ आजकल, तो भाई ये है कि आज की जो वीडियो है उस वाली वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा या फिर ये दिखाऊँगा कि एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी तो उसे मैं मतलब पहले बात करता था तो शायद मेरे को पता मतलब मेरे को इतना याद नहीं था। तो उसका मैंने नंबर देखा तो मैंने सोचा कि कोई लड़की होगी, चलो इससे बात करते। तो मैंने उसे बात करने के लिए मैंने उसे मैसेज किया सबसे पहले ये कि यहाँ कोई है या मैं घूम के आऊँ। तो भाई अगर आप किसी लड़की से रिप्लाई करवाना चाहते हो किसी भी अननोन लड़की से या फिर किसी भी लड़की से तो कहीं भी, तो आप ये जरूर बोलना कि यहाँ कोई है या मैं घूम के आऊँ। तो उसके बाद में इसने बोला तुम्हारी मर्जी। मैंने बोला बताया नहीं कभी कभी तुमने क्यों है इतनी बेदर्दी, कल सड़क पे कुत्ता गिरा पड़ा था इग्नोर मार के क्यों गई। तो इसने बोला मतलब मैं कुछ समझी नहीं, शायद तुम मुझे भूले नहीं अभी तक, बहुत बिजी रहते हो। तो इसने मेरे को 10:41 पे मैसेज किया भूले नहीं, उसके बाद में बोल लिए बहुत बिजी रहते हो, क्योंकि मैंने ऐसे रिप्लाई नहीं किया। मैं उतना व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता हूँ आजकल, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए व्हाट्सअप यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने बोला याद उन्हें करते हैं जो करने लायक होते हैं, क्योंकि भाई ये अजीब लड़की लगी थी मेरे को। इसमें कुछ ज़्यादा ही बाद में इसकी कहानी सुनाऊंगा मैं या फिर थोड़ा सा सुनाता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई एक टाइम था कि मतलब मैं लड़कीबाजी करता था तगड़ी वाली, तो उस टाइम मेरी कम से कम यही बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होंगी, अब कितनी बताऊंगा तो अभी जो एक दो देख रही होंगी वो भी छोड़ के चली जाएंगी। तो इससे मैं बात कर रहा था तो इसने मेरे को देख लिया किसी लड़की से बात करते हुए, उसे मैंने आई लव यू सो लव यू बोला था, उसे पटा रहा था मैं लाइन साइन मार के, तो इसने देख लिया तो इसने मेरे को ब्लॉक मार दिया। तो दुनिया भर की छोड़ छाड़ के चली गई। तो 3-4 बार आई है, मैंने हर बार इसे माफ़ किया, मैंने कहा चलो ठीक है मेरी गलती थी मैं मानता हूँ, हर चीज़ मैंने माना, लेकिन ये छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद मैं यही सब बकचोदी हुई, इस वजह से मैं इसे बात नहीं करता था। व्हाट्सअप पे थी मेरे तो मैंने इसे देखा नहीं था। तो उसके बाद मैं इसने मैंने बोला मैं उन्हें याद करता हूँ जो करने लायक होते। तो इसने बोला फाइन, तो मैसेज क्यों किए। तो मैंने बोला नंबर था तो कर दिया, ओके कैसे हो। मैंने बोला बहुत स्मार्ट हूँ। तो मैंने बोला इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्योंकि इसने अपना ये अजीब सा मुंह बंद करने वाला, क्योंकि भाई पहली बार ऐसा डायलॉग सुन रही हूँ इतने दिन के बाद। तो उसके बाद में इसने बोला ऐसे ही मुझे लगा तुम मुझे टॉर्चर करने आए हो, क्योंकि भाई इसे लगा क्योंकि मुझे छोड़ के गई थी और मैं ऐसा घटिया इंसान हूँ कि मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ अगर गलती मेरी ना हो तो, बट यार मेरा मन नहीं था इसे कुछ कहने का ना कुछ करने का, तो लड़कियों से मैं उतना फालतू नहीं करता हूँ। तो उसके बाद मैंने दस मैं ऐसा नहीं हूँ, एक ही एक ऑप्शन कभी नहीं रखता मैं कि किसी के आने या जाने से रो। तो भाई कभी भी ये मैं एक बढ़िया सी टिप देता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं करते हो आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए तो भाई कभी भी एक ऑप्शन मत रखो। आप चाहे तो अपनी बेस्टी बना के रखो या कुछ भी बना के रखो जिससे आपको अगर वो छोड़ के जाए आपकी गर्लफ्रेंड तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप ज़्यादा तकलीफ में ना हो, आपको संभालने के लिए आपके दोस्त आपकी वो बेस्टी आपके वो फ्रेंड्स हो। तो भाई मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा दोस्त और बेस्टी वेस्टी बना के रखो या फिर एक दो गर्लफ्रेंड और पटा के रखो मेरी तरह। तो उसके बाद मैंने बोला हाँ आई नो तुम्हारे लिए, फिर ये बोलिए आई नो हाँ तुम्हारे लिए बहुत सारी ऑप्शंस है गुड। तो मैंने बोला हाँ और बताओ कैसी हो, तुम्हारी किडनी का क्या हाल है। तो भाई इसने एक बार मेरे से बोला कि मेरी किडनी ख़राब हो गई है, मेरी एक ही किडनी बची हुई है, दुनिया भर की नौटंकी बताई, क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा नौटंकी किस्म की लड़की थी। तो बस मुझे हंसी आती थी इसकी बातों पर। तो इसे मैंने बोला तुम्हारी किडनी कैसी, मेरी किडनी एकदम टिप टॉप है तुम्हारी। मैंने बोला तो मेरे में तो आए दिन हार्ट अटैक आता रहता है, दिल छोड़ो दिल बताओ बातों का चुरा लिया है, सोच रहा हूँ अब किडनी चुराऊँ। तो इसने बोला चुरा लो, मतलब बम। तो इसने बोला और क्या क्या चुराओगे। तो भाई यहाँ से अगर मैं चाहता था इसे फिर से अपनी वाहियात हरकतों से इसे पटा लेता, बट मैंने सोचा ये फिर जाएगी तो क्या मतलब है बात करने का यार। मतलब कभी भी मैं तुम्हें एक इस वीडियो से मैं एक ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक के लिए मैं एक सिर्फ एक बात के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आपसे लड़की प्यार नहीं करती या आपसे कुछ ज़्यादा ही वो बकचोदी करती तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पास जाओ हर बार। तो इससे मैंने बोला जो मिलेगा सब, तो मैंने बोला पुलिस वाली बन जा तू। तो बोलिए मैं तुम्हें एक सेकंड में ढूंढ लूंगी। तो मैंने बोला डॉन को पकड़ना मुश्किल है लेकिन हिमांशु को पकड़ना नामुमकिन है। तो बोलिए पकड़ लूंगी तुम्हें दिल्ली आके। तो फिर मैंने ये बोला, मैंने फिर बोलिए ओए क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं बस सोच रहा था। तो इसने बोला क्या सोचे फिर अब तक। मैंने बोला यही कि तुम ज़्यादा क्यूट हो या कैटरीना कैफ। तो इसने बोला कैटरीना कैफ ज़्यादा क्यूट है पागल, मतलब मुझे तो नहीं लगता। तो इसने बोला क्यों नहीं लगता। मैंने ना कुछ चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने लायक नहीं होती। तो इसने बोला फिर वो बोली कुछ भी। मैंने बोला हाँ
लोगों को जो बात कर लगे बकवास सच में वही होती है काश। ओके अब बाय, तो इसने बोला हाँ। तो भाई बाय बोलने के बाद मेरा दिमाग घूमा कि मैंने नहीं चाहिए ये गर्लफ्रेंड, मेरे को नहीं चाहिए लड़की, तो मैंने इसे चुपचाप ब्लॉक मार दिया। तो भाई ब्लॉक मार दिया करो, ऐसी लड़की मत रखो जिससे आप हर्ट हो, या फिर जो आपको बार बार लगे कि आपको ये छोड़ के जाएगी, जो आपका बार बार दिल दुखाए, तो उससे आप दूर ही रहो तो यही अच्छा है। और कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना, आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो वो भी बता देना, और दो चार गर्लफ्रेंड को पकड़ के ले आऊँगा अपनी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई गर्लफ्रेंड बनानी है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, जबरदस्ती समझो या चाहे जो समझो, अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके जाओ, और हाँ अगर आपको शादी भी लगे हाथ करनी है तो नोटिफिकेशन दबा के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।